हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जय साईं बाबा किचन चैनल पे। और आप देख रहे हैं कद्दू की एक चटपटी सी नई रेसिपी जो बिना मसाले वाली है, जिसे बच्चे बड़े या बूढ़े सब खा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरीके से बनाई हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट में एक बड़ा मतलब एक लहसुन का जो पोट होता है वो लहसुन ले लेंगे। उसे बारीक काट लेंगे लहसुन को, और 6 से 7 हरी मिर्च लेंगे, उसको भी काट लेंगे छोटा छोटा। और 2 लाल मिर्च मैंने ले लिया है, और आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी और 2 चुटकी हींग। इन सब चीज़ों को मैं इस तरीके से रख ली हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है, आप इसे प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। अब मैं कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई को गैस पे रखूँगी, फ्लेम को हाई करूँगी, और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। जब तेल एकदम गर्म हो जाएगा तो दोस्तों, जो मैंने प्लेट में रखे थे ये सब, इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी। ध्यान रहे हमारा कढ़ाई बिल्कुल भी गर्म होना चाहिए। दोस्तों ये जो कद्दू होता है, इसे हम लोग कोहड़ा भी बोलते हैं। यह ठंडक पहुंचाने वाला होता है सब्जी। एक तरीके से इसकी डंठल को काट के तलवे पर रगड़ने से शरीर की गर्मी ख़त्म होती है। जैसे कि किसी को बुखार लगा रहता है तो वो उसमें यह बहुत ही असर करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं ये जो प्लेट में रखी थी, इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से डाल के उसे चला रही हूँ। यहाँ मैं 3 आलू ली हूँ, इसे इस तरीके से मैं ये शेप में, छोटे छोटे शेप में काट ली हूँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और दोस्तों, जब ये मेरे फ़ौरन बोलते हैं, इसे हम लोग फ़ौरन भी बोलते हैं, जब ये थोड़े लाल हो जाएंगे, इसके जो एक मतलब महक आने लगेगी ना अच्छी वाली, तो जब ये अच्छे से पक जाएंगे, थोड़े रेड हो जाएंगे, तो मैं इसमें आलू भी डाल दूंगी आगे चल के। दोस्तों, कद्दू लंबे समय के बुखार में भी काफ़ी असरकारी होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आधा केजी कद्दू लिया था, वही जो मैं आपको पिक में पहले दिखाई थी। उसे मैं अच्छे से पहले धो ली हूँ, और बिना छिलके उतारे ही मैं इसे अच्छे से काट ली हूँ। इस शेप में मैंने काट लिया है। और दोस्तों, मैं क्या करूँगी, इसमें मैं पहले आलू डाल दूँगी। यहाँ देखिए, मेरे जो फ़ौरन थे उसके कलर चेंज हो गए थे, तो मैं इसमें आलू डाल दी हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं ये कद्दू भी डाल दूंगी, और मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। दोस्तों, कद्दू में मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन होता है, जिसमें विटामिन ए मिलता है हमें। दोस्तों, यहाँ देखिए, मैं यहाँ अच्छे से चलाई हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूंगी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम। और दोस्तों, मैं इसमें स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच नमक डाल दूंगी। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम थोड़ा मेरा अब लो हो जाएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इस कटोरी से 1 कटोरी में पानी इसमें ऐड कर दूंगी, और करीब 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख दूंगी। फ्लेम को लो करके रहूंगी मैं। दोस्तों, कद्दू में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। कद्दू के बीज बीज में जो होता है वो भी मैं इसमें ऐड की हूँ। आपको दिख रहा होगा, मैं फेंकी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आयरन और पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। दोस्तों, कद्दू, ये जो कब्ज में हमारी, यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे 5 मिनट हो गए थे, सब्जी मेरी कुछ गल गई थी। अब मैं यहाँ फ्लेम को करूँगी हाई, और इसे अच्छे से मैं चलाऊँगी। दोस्तों, कद्दू कब्ज में भी हमें राहत देता है, आँख की रोशनी बढ़ाता है, दिल की धड़कन को भी सही करता है, हड्डी को मजबूत करता है, मोटापा को कम करता है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो देखिए दोस्तों, इतना देखते देखते ही हमारी ये रेसिपी बन के बिल्कुल भी रेडी हो गई है। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे अच्छे से रोटी, पराठा, पूड़ी, दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, इसी आवाज़ के साथ। थैंक यू।